आप देख रहे हैं सनातन फर्स्ट और मैं हूं विशाल। अक्सर आप नारा सुनते हैं कि भारत तेरे टुकड़े होंगे। अभी भारत के टुकड़े नहीं कर पा रहे तो हिंदुओं के टुकड़े हो रहे। आप जगह जगह देख ही रहे जैसा कि श्रद्धा के केस में हुआ, बाकी अन्य जगह भी होते हैं। कितनी बातों को कहा जाए, क्योंकि ये तो आम दिनचर्या का हिस्सा बन चुकी है। लेकिन मेरा अब्दुल बाकी जैसा नहीं है। ये जो सोच है ना, ये खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। अब सुनिए, इनका अब्दुल भी बाकी जैसा नहीं है। मेरे प्यार को कोई एक दो साल थोड़ी है, सदियों साल हो गई। 7 साल हो गई मेरे बहुत प्यार को, बहुत अच्छे से प्यार करने को इच्छे थोड़ी नहीं। अब ढूंढे एक दूसरे पे इतना यकीन करते हैं और नहीं धोखा देने का हमें, और एक दूसरे का यकीन भी करते हैं हम दोनों का। मगर भाई लोग कोई गलती में नहीं लेगी ऐसी, हम अच्छे से प्यार करते हैं हम दोनों। इतना प्यार करते हैं अगर शायद किसी ने भी नहीं किया होगा। बस अपने चैन से घर है, चैन से टहलने हमारे परेशान करते हैं। हम परेशान रख रहे हो, हम तुमसे ज्यादा खुश रखते हैं। इतना तो प्यार मेरी मम्मी भी नहीं करती होगी इतना मेरा राजू मुझसे करता है। तो और शादी करने जाती है? करूंगी। वो मेरे से शादी करने जाती है, ठीक है? कोई भी गलती होगी मेरे अंदर। इसका नाम है कालू हसन, जिसने अपना नाम राजू बता रखा है। लड़की 13 साल की है और देखिए इसका प्रेम। मम्मी भी इतना प्रेम नहीं कर सकती। प्यार करते हैं हम तुम्हें इतना, दो आंखें तो क्या दो जहां में समाए ना जितना। तो ये जो लड़की जो कि 13 साल की है, आखिर इतना सोच कैसे डेवलप हो गया? फिर वही हमारे बॉलीवुड के महानुभाव जो कि घर घर में दाखिल हो चुके हैं और वो इंस्ट्रक्शन देते हैं कि कैसे क्या करना है, कैसे अपने जीवन को चुनना है। हालांकि इस मामले में FIR दर्ज हुआ, कालू हसन को गिरफ्तार कर लिया गया और लड़की ने सुसाइड करने का प्रयास किया, क्योंकि बता ही दिए इतना प्यार कौन करेगा। तो इस तरह से छोटी छोटी बच्चियों को भी ये इस तरह से ब्रेन वॉश करते हैं, जो कि सब कुछ भूल कर। और आपने देखा कि क्या दोनों का कोई कंपेरिजन हो सकता है, जिसका जवाब है नहीं। लेकिन ये धड़ल्ले से चल रहा है। चलने के पीछे भी वजह है कि मेरा अब्दुल बाकी जैसा नहीं है। जब तक बारी आएगी नहीं, समझेंगे नहीं, और जब समझेंगे तो फिर बचने का रास्ता कहां निकलता है। अब श्रद्धा के केस में भी तो हुआ, 2 साल पहले अंदेशा हो चुका था कि अब तो आप उसे छोड़ेगा नहीं। पुलिस को कंप्लेन भी किया था, पुलिस ने नहीं सुनी। लेकिन ये इस स्थिति में नहीं थी कि उसको छोड़कर निकल जाए। तो यही तो बात है, जाने के रास्ते तो होते हैं, आने के रास्ते नहीं होते। चलिए आज के लिए बस यही तक, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।